ये जो खातून निपुल शर्मा है जिसने हमारे नबी पे क्या लानती औरत ने क्या किया, तोहमत लगा दी क्या उन्होंने? तो पर अल्लाह के नबी ने अम्मी आयशा से नऊज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह कुफ्र नबाशत ज़िना किया, मुसलमानों ने पाई पीएस पर उन्होंने आन डिबेटस में सुनूं और चिल्ला के बोली किसी में गैरत नहीं है, कहां गया बिलालिया वाले और कहां गए रहंगे वाले, कहां गए दाऊदी वाले इश्क नबी कहने वाले सऊद अरबिया, कहां गए अहले जिस, किसी एक के जवाब दिया मुझे बता दो बस, ये मर गए पांच मिनट टास खोत जलता मेरे नबी के हुरमत में बात आ गई, कहां गया अहले जिस दाऊदी वाला, कहां गया इश्क नबी मनाने वाला और कहां गया अरबिया वाला, कहां गया कासमिया, कहां गया बिलालिया, जवाब तो देते कम से कम उसका जवाब तो देते, जवाब देने के लिए भी इनकी जरूरत नहीं है, हम मुंह में जुबान रखते हैं इसका मतलब नहीं कि हमें पता नहीं है, हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो सयाम कत्ल करते हैं कोई चर्चा भी नहीं होता और सभी हमसे कहते हैं कि नजरें नीची रखो, कोई उनसे नहीं कहता ना निकलो जो आया होकर, क्या वो मेरे नबी पे एक बगैरत एक लानती औरत ऑनलाइन डिबेट पे मेरे नबी को गाली देती है और किसी मुसलमान में जरूरत नहीं उसको जवाब देता, हमने उसको बोला था उसको मारो, कम से कम जवाब देना तो फर्ज बनता था ना। निपुल शर्मा ने क्या कहा कि उसने छोटी उम्र में किसके साथ शबरी साथ अम्मा आयशा इन साथ निकाह गो रुखसती कर गई नौ वर्ष, क्या तो बोल इनको गलत इनको नहीं, और मौलवी अगर तुमने पढ़ा नहीं कम से कम हमारे से सुनते, इनको कहो यहूद को कहो इस हिंदू औरत को कहो लाओ अपनी तवारीख ला, जो राम को उठाते हैं जो लक्ष्मण को उठाते हैं, तुम्हारे राम ने किसके साथ निकाह किया था, हम इनको जवाब देते हैं राम ने किसके साथ निकाह किया था, सीता के साथ, सीता को किसने भगा के ले लिया, रावण ने, अगर रावण ने उसको भगा के ले लिया, रावण ने सीता से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है, बोला 18 साल, बोला निकाह कितने में हुआ, 12 साल में अपने राम के साथ हूं, उम्र थी 18 साल की, निकाह में कितना टाइम हुआ 12 साल, तो निकाह कितनी उम्र में हुआ था, और अगर तुम हमारे नबी से कहते हैं पहले राम से पूछ उसने 6 साल में क्यों शादी की थी उसके साथ, जवाब नहीं है, और लक्ष्मण की बीवी का नाम क्या था मुझे कोई बता दे यहां से मुसलमान क्या था नाम, हाँ हलू हलवस्करू नाम मुसलमान, हमने मुसलमान होने का कौन सा हक अदा किया मुझे बता दो, ऐसे जो शैतान थे मंशन छो, और लक्ष्मण की बीवी का नाम उर्मिला था, यह उर्मिला सीता की बहन थी, सीता की, इन दोनों के दरमियान 10 साल का गैप था, कितना था अगर मुझे बता दो, इसने 6 साल सीता ने 6 साल की उम्र में किसके साथ निकाह किया था, शादी किसके साथ की थी, राम के साथ, अगर ये हमारे नजीस में तोहमत लगाते कम से कम पहले अपने घर को देखो, और इनके राम ने हमारे सीता के साथ कितने साल में शादी की थी, उर्मिला और उसके दरमियान 10 साल का गैप है, उर्मिला कहती है मैं 5 साल पहले और लक्ष्मण की बीवी बन चुकी थी, उसका मतलब उसने 5 साल की उम्र में निकाह किया है, अगर तुम हमारे नबी पे तोहमत लगा दो पहले अपने घर को देखो, जवाब बनता है कि नहीं बनता है, हमने लड़ाई बोली थी, हमने लड़ाई करनी है, मैंने बोला अगर तुम्हारे लड़ाई से और दर्जे पर पहले तो जवाब दे दो, इनकी किताबें भी खुली है हमारी किताबें भी खुली है, चलो मुझे बता दो अगर कौन से बच्चे से गलत चुकासन लक्ष्य बच्ची मज तुम इसका गसन तुम दिमाग सोच तुम चुट तुम से बॉडी गसन ग्रोथ स्टॉप कट गसन बॉडी हम ग्रोथ के गसन तुम सुझा कब सेहत करित अगर मानो नाउज बिला कुफर नबाशत नाउज बिला कुफर नबाशत अगर मेरे नबी ने अम्मा आयशा के साथ गलत किया होता तो हमारा अकीदा है आधा से ज्यादा इस्लाम हमने किससे हासिल किया है अम्मी आयशा से आधी से ज्यादा हदीसें किससे साबित है अम्मी आयशा से अगर नाउज बिला वो गलत होता तो क्या अम्मी आयशा इतना इल्म हासिल करती कहां जा रहे हो तुम अब मसला क्या है मुझे बता दो मैं तो स्पष्ट बनू पढ़ू कानून ये इंडिया कानून युता तो लड़की का 18 वर्ष निकाह जाइ मैं तो चलो आगे चलते हैं अमेरिका में अमेरिका वालों ने लिखा है जब तक बच्ची 16 साल हो जाए तब तक निकाह मैं तो चलो आगे टेक्सा वालों ने लिखा है 14 साल में लड़की बालिग होती है मैं तो चलो आगे चाइना में वालों ने लिखा है 12 साल में लड़की मैं तो ये नेचर पर डिपेंड करता है निकाह कस आगे मेंटली फिट बिकॉज ऑफ फिजिकली फिट मेंटल फिट मेंटल फिट मतलब पागल वागल दोम ग जाना मनुष्य साइकिल पीरियड्स तुम गई ये फिजिकल फिटनेस है ये गए इजहार वो मतलब वो निकाह के लिए मैं बस अलग जमीन इक्विटोरियल गो इक्विटोरियल दागे पोल्स अब गई पोल्स दागे इक्विटोरियल लुकान जल्दी बाल पोल्स वाले लुकान लेट बाल इंडिया पोल इलाका है इंडिया पोल यहां पे लोग 18 साल में बालिंग होती है
अरब इक्वेटोरियल जमीन है, वहां पे लोग छोटी उम्र में बालिग होते हैं। अगर अम्मी आयशा ने मेरे नबी से निकाह किया, वो इक्वेटोरियल लाइन की है, वहां पे तो एज खाली 9 साल की थी, गलत क्या किया? जवाब तो दे देना कम से कम।